परमेश्वर सभी को आशीर्वाद को दे। आपका स्वागत है परमेश्वर की महान उपस्थिति में, मैं आज के बाइबल स्टडी में। सो प्रभु स्तुति हो। आइए हम बाइबल स्टडी में जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति अपने स्वर्ग झुका परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। हे जीसस, हालेलुया। मेरे मान परमेश्वर का पिता, धन्यवाद स्तुति करते प्रभु सुंदर समय के लिए, इस वक्त के लिए परमेश्वर जो आपने हमें दिया और दिखाया प्रभु। पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेम पवित्र आत्मा प्रभु, आप प्रभु हमें प्रभु आप प्रोत्साहन मदद कर परमेश्वर। आज के शिक्षण के द्वारा प्रभु आप हमारे हृदय से वार्तालाप कर, आपकी सच्चाई हमारे जीवन में प्रभु बंधन मुक्त प्रभु कार्य करे प्रभु। प्रभु आप बड़े और हम घटे परमेश्वर, प्रभु हमें मार्गदर्शन कर प्रभु, हमें प्रभु आपकी प्रोत्साहन प्रभु हम प्रभु चाहते पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर, आमेन आमेन। सो प्रभु की स्तुति हो। आज का शिक्षण जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण का शिक्षण है। आज का शिक्षण जो है उसका शिक्षक जो उसका नाम जो है असफलता अंत नहीं है। विश्वासियों के जीवन में असफलता अंत नहीं है। आमेन। शास्त्र वचन कहता है उत्पत्ति 32 अध्याय में, उत्पत्ति 32 अध्याय और 28 वचन में यहां पर लिखा हुआ है कि उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। आमेन। क्या कहता है वचन, मैं दोबारा पढ़ता हूँ। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। आमेन। सो बाइबल का वचन कहता है इस जगह पर याकूब जब वो अपने भाई एसाव से मिलने के लिए जाता है, और उस समय में जो है अपने बीवी बच्चों को अपने धन संपत्ति अपने नौकर चाकर को भी जो है वह नदी के पार वो उतार देता है, और खुद याकूब जो है वह इस पार वो अकेला रह जाता है। आमेन। और यह सारा कार्य रात के समय में होता है। बाइबल का वचन कहता है जब उनको जो उनको विदा करते अपने परिवारजनों को और अकेला रहता है, उस समय में एक व्यक्ति आकर वह याकूब से वह मलयुद्ध करता है। आमेन। और मलयुद्ध करते समय और जैसे भोर होने लगता है और वह देखता है कि याकूब या याकूब जो है मुझ पर प्रबल हो रहा है। आमेन। सुबह होने वाली है। सो उसने जो है उससे पूछा, याकूब से पूछा कि मुझे छोड़ क्योंकि भोर होने वाली है, सुबह होने वाली है। याकूब ने उससे कहा कि जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। आमेन। सो बाइबल का वचन कहता है 28वें वचन में कि वह कहता है तेरा नाम, उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। आमेन। सो बाइबल का वचन कहता है कि वो मनुष्य कोई नहीं परंतु परमेश्वर था। यह मलयुद्ध यह प्रार्थना के बारे में बताता है। आमेन। याकूब के नाम का अर्थ है, याकूब के नाम का अर्थ धोखेबाज है। उसके जीवन में कमी थी। वैसे आपके और मेरे जीवन में भी, हम सभी के जीवन में कोई ना कोई कमियां है, और जो उसे मलयुद्ध होता है परमेश्वर से तो उसका नाम वो इज़राइल होता है। इज़राइल यानी बड़ा राष्ट्र। आमेन। सो बाइबल का वचन कहता है इस जगह पर 33 अध्याय के पहले वचन में लिखा है कि याकूब ने आंखें उठाकर यह देखा कि एसाव 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है। 33:1 में हम देखते हैं कि याकूब करके उसका नाम लिया जाता है। बाइबल जो है वो अभी भी जो है उसको याकूब नाम से ही संबोधित करती है। आमेन। उसका पुराना जीवन जो उसके जीवन में से निकालना बहुत जरूरी था, परंतु बाइबल का वचन कहता है कि उसको इज़राइल के बदले उसको वापस उसको याकूबी पूछ कर पुकारता है, याकूब करके ही बुलाता है। आमेन। इस वचन का
ध्यान पूर्वक अपने ध्यान को लगाए। आज का वचन जो है हमारे जीवन में जो है, हमारा पुराना मनुष्यत्व जो है, पुराना जीवन, वो समूल हमारे जीवन से पूरी तरह से वो नष्ट नहीं हो जाता। हमारी कमियां वो हमारे जीवन में से पूरी तरह से वो निकल नहीं जाती है। Amen. हमें अपने पुराने मनुष्यत्व के साथ में हमें जीवन जीना पड़ता है, पुराने मनुष्यत्व के साथ में। Amen. और कोई नहीं, परंतु इस जगह पर पौलुस इस जगह पर अपने 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 कमजोरियों को वो बताता है। Amen. और बड़ी ईमानदारी के साथ में वो बाइबल में वो अपनी कमजोरियों के बारे में वो लिखता है। वो ये कहता है रोमियो के पुस्तक में सातवां अध्याय और 14 से लेकर 20 वचन को हम देखेंगे। तो इस जगह पर पौलुस कहता है, हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ दिखा हुआ हूं। जो मैं करता हूं उसे उसको नहीं जानता, पर क्योंकि जो मैं चाहता हूं वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूं। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूं तो मैं मान लेता हूं कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, परंतु पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। वो पूरे ईमानदारी और खुलेपन से वह पौलुस से जगह पर वो अपनी बातों को कहता है। 18 वचन, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझ में बंद नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम को मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। अब यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। सो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो प्रभु यीशु मसीह के शिष्य होना चाहते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के डिसाइपल है, चेले होना चाहते हैं, उन सभी के लिए आज का वचन कि हमारा पुराना मनुष्य तो वह हमारे जीवन में से पूरी तरह से निकल नहीं जाता। Amen. हमें अपने पुराने मनुष्य के साथ में सारा जीवन हमें जीना पड़ता है। पौलुस इस जगह पर वो सारे बातों को उजागर करता है। Amen. सो बाइबल का वचन कहता है पौलुस जो जान गया कि पाप पर जयवंत तब तक नहीं हो सकते जब तक हम पाप के लिए लगातार स्वयं को मरा हुआ नहीं समझते। जब तक हम पाप को स्वयं को मरा हुआ नहीं समझते तब तक हमें हर रोज हमें समझना है कि हमें पाप को मरा हुआ समझना है, हमें पाप के लिए मरा हुआ परंतु मसीह के लिए हमें जीवित है इसे समझना है। हालेलुया, आमीन। बाइबल का वचन कहता है रोमियो 6 अध्याय का 11 वचन कहता है ऐसे तुम भी अपने आप को पाप के लिए मरा परंतु परमेश्वर के लिए मसीह में जीवित ऐसे समझो। आमीन। हर एक व्यक्ति ने ऐसे जीते हुए अपने दिन की शुरुआत करना चाहिए। ऐसे तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित ऐसा समझो। हर रोज कल के लिए प्रार्थना न करो परंतु आज के लिए प्रार्थना करो, आज के लिए जीने के लिए अच्छा जीवन जीने की कोशिश करो। हालेलुया, आमीन। सो बाइबल का वचन कहता है जीवन पर चलने वाले संघर्ष में, आमीन, जीवन भर इस चलने वाले संघर्ष में ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब नया मनुष्य तो पुराने मनुष्यत्व से वो परास्त हो जाए। आमीन। जो नया मनुष्यत्व है वो हमारे पुराने मनुष्यत्व से वो परास्त हो जाए, यानी पराजित हो जाए, यानी हार जाए। कई बार ऐसे अवसर आ सकते हैं
परंतु बाइबल का वचन कहता है हमें निराश होने की हमें आवश्यकता नहीं, हमें निराश होने की हमें आवश्यकता नहीं, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है नीति वचन में, नीति वचन 24 अध्याय का 16 वचन कहता है, नीति वचन 24 अध्याय और 16 वचन कहता है, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार भी गिरे तो भी उठ खड़ा होता है। अमें। धर्मी चाहे 7 बार भी गिरे वो फिर भी जो है तो भी वो उठ खड़ा होता है, 7 बार यानी हफ्ते के 7 दिन। अमें। वो आपके में धार्मिकता के विषय में कहता है धर्मी जन अगर 7 बार भी गिरे तो वो 7 बार उठकर खड़ा होता है, वो परमेश्वर आपको मुझे उठाकर खड़ा करता है। अमें। आप पर मुझे निराश होने की जरूरत नहीं, बस ये ध्यान में रखो कि असफलता हमारे जीवन में कोई अंत नहीं है। हमारा महान परमेश्वर वह सक्षम है आपको और मुझे छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए। इसलिए अपने आप के ऊपर और परमेश्वर ऊपर का वो साहस हिम्मत जो है विश्वास कम होने के लिए मत दो। आमीन। निराश होकर आप पीछे मत हटो परंतु प्रभु में और भी आगे बढ़ते जाओ। आमीन। बार बार की सफलता के कारण अनेक मसीह बार बार असफलता के कारण कई सारे मसीह जो अपने जीवन में वो दोषारोपण लगाते हैं और दोषारोपण में जीते रहते हैं। आमीन। बाइबल का वचन कहता है, बाइबल हमें कहती है सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं। आमीन। रोमियों 8 अध्याय के पहले वचन में लिखा हुआ है कि जो मसीह यीशु में है उन पर कोई भी दंड की आज्ञा नहीं। इसलिए हमें दोषारोपण में जीना नहीं है। आमीन। शास्त्र का वचन कहता है पवित्र आत्मा कभी भी परमेश्वर के लोगों को पवित्र आत्मा कभी भी जो है आपको और मुझे दोषी नहीं ठहराता है, परंतु परमेश्वर का आत्मा जो आपके में सहायता मार्गदर्शन के लिए दिया है वो आपको और मुझे कायल करता है। आमीन। आपको और मुझे जो है वो आपको और मुझे वो पश्चाताप की ओर लेकर आता है। शास्त्र का वचन कहता है हम दो व्यक्ति के बारे में देखते हैं, यहूदा इस्करियोती के बारे में और पतरस के बारे में हम देखते हैं। आमीन। यहूदा इस्करियोती जिसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा के दिया, वो यहूदा इस्करियोती ने उसने जो है वो यीशु मसीह का एक बार इनकार किया और वो भारी विनाश में वो चला गया। आमीन। परंतु पतरस ने यीशु मसीह का 3 बार उसने तिरस्कार किया। आमीन। परंतु बाइबल का वचन कहता है कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा जब उसको कायल किया गया वो पश्चाताप की ओर चला गया। आमीन। वो फिर से स्थापित होने के लिए पुनर्स्थापन की ओर चला गया, वो पश्चाताप करते वो आगे बढ़ता हुआ चला गया। सो आपको और मुझे डरने की बात नहीं। आमीन। कई सारे व्यक्ति अपने जीवन में वो गलती होने पर वो दोषारोपण में जीते। यहूदा इस्करियोती ने गलती किया, पवित्र आत्मा ने उसको जो है उसको कायल किया पर वो भारी विनाश में वो डूब गया। पतरस के जीवन में ऐसी गलतियां हुई 3 बार और पवित्र आत्मा के द्वारा वो पुनर्स्थापन की ओर चला गया। आमीन। शास्त्र का वचन कहता है कि यहूदा ने तो एक ही बार उसने गलती की परंतु पतरस ने 3 बार गलती की। आमीन। इस जगह पर देखने वाली बात यह है कि पतरस ने महत्वपूर्ण इस जगह पर पवित्र आत्मा की ओर से एक सबक को सीखा जो आपको और मुझे सीखना बहुत जरूरी है। आमीन। आपको और मुझे सबक को सीखना है। दूसरा पत्रस 1 अध्याय
दूसरा पत्रस का पुस्तक और पहला अध्याय और उसका 6 वचन को देखते हैं। बाइबल का वचन कहता है, और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति। आमीन। सो पत्रस ने इस जगह पर एक सबक को सीख लिया कि पवित्र आत्मा के द्वारा वह संयम और धीरज के साथ में आगे बढ़ना। हालेलुया। आप चाहे तो दूसरा पत्रस पहला अध्याय का आप 3 से लेकर 11 वचन को आप ध्यान से आप पढ़ सकते हो। पत्रस ने जो सबक को सीखा, संयम और धीरज के साथ में आगे बढ़ना, आपके और मेरे जीवन में भी यही बातें। जब पवित्र आत्मा आपको और मुझे एहसास को देता है, कायल करता है, हमें पश्चाताप करना है तुरंत उस गलती के लिए और क्षमा मांगते हुए हमें आगे बढ़ना है। हमें आगे बढ़ने का हमेशा प्रयास करना है, परंतु दोषारोपण में हमें उसी जगह पर हमें खड़ा नहीं रहना है। हालेलुया। दोष लगाने वाला तो शैतान है, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर उसके ऊपर विजय को पाया है। परमेश्वर हमारे प्रति हमेशा परमेश्वर हमारे प्रति वह धीरज बना रहता है। ध्यान से सुनो कि परमेश्वर हमेशा हमारे प्रति वह धीरज बना रहता है, विशेषकर हमारे असफलता के प्रति। हमें झूठ कर हमें प्रयास करना चाहिए कि हमें पवित्र जीवन जिए। हमें झूठ कर हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए, हर रोज हमें प्रयास करना चाहिए। हमें यह परमेश्वर की भलाई है, यह परमेश्वर की भलाई और सहनशीलता और धीरज भी जो हमें लगातार हमें मन फिराव की ओर प्रेरित करती है। हमें रोमियो का 2:14 के अनुसार यह परमेश्वर ही है जो परमेश्वर हमें सहनशीलता धीरज वो हमें जो है लगातार मन फिराव की ओर वो मन परिवर्तन करती है। हमें मन फिराव के लिए वो प्रेरित करती है। हालेलुया। हमें परमेश्वर का भय मानते ही हमें परमेश्वर का भय मानना है, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है भजन संहिता 130 का 4वां वचन कहता है। आमीन। 130 का 4वां वचन, परंतु तू क्षमा करने वाला है जिसे तेरा भय माना जाए। आमीन। सो शास्त्र वचन कहता है कि परमेश्वर का भय मानने वाले जो व्यक्ति है उसको तो वह परमेश्वर क्षमा करता है। आमीन। हमें क्षमा मांगना है और वापस हमें धीरज के साथ में हमें आगे बढ़ना है। आमीन। बाइबल का वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह वो बिना विश्राम किए हमारे लिए वह लगातार पिता के दाहिनी और हमारे लिए मध्यस्थ की प्रार्थना करता है। आइए मेरे साथ में वचन को देखिए। पहला योहन्ना का पुस्तक पहला योहन्ना 2 अध्याय और पहला वचन को देखिए। आमीन। हे यीशु, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि तुम पाप करे तो पिता के पास हमारे सहायक है अर्थात धर्मी यीशु मसीह। आमीन। वो प्रभु यीशु मसीह वो पिता की दाहिने और आपके मेरे लिए लगातार वो हमारे लिए वो प्रार्थना करता है पूरे धीरज के साथ में। आमीन। ये कभी ना भूले कि वो कुमार है, हम मिट्टी, आकार देने का काम चालू है। आमीन। इसीलिए परमेश्वर के ऊपर का धीरज वो संयम कभी खोने के लिए मत दो। परमेश्वर जिसने शुरुआत की है उसका बहुत अच्छे रीति से अंत भी करेगा। हालेलुया। आमीन। आकार देने का काम चालू है ताकि आप और मैं यीशु मसीह के समान बने।
अमें। परमेश्वर स्वयं इतना धीरजवत है, अमें। तब हमारे प्रयत्नों में हम कैसे क्या हम अधीर हो जाए। परमेश्वर आपके और मेरे प्रति इतने धीरजवत है, तो आप और मैं अपने प्रति, खुद के प्रति हम कैसे क्या धीरज को हम खो बैठे। हमेशा हमें निरंतर में परमेश्वर में हमें आगे बढ़ना है। अमें। परमेश्वर के लोगों के लिए असफलता कोई अंत नहीं है। भजन संहिता 37 अध्याय को निकाले, भजन संहिता 37 23 और 24 वचन कहता है, भजन संहिता 37 23 और 24 वचन कहता है, मैं सॉरी 24 और 23 और 24 वचन कहता है, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है। ध्यान से सुनो, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। चाहे वह गिरे तो भी पड़ा न रहेगा, रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। आमेन। बाइबल का वचन कहता है, चाहे वह गिरे तो भी पड़ा न रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। यह कभी न भूले जिसे वादा किया है कि मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा, न कभी डालूंगा, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में सदैव रहूंगा। वो विश्वास अगर भरोसेमंद परमेश्वर है, इसलिए आपको और मुझे भी चाहिए कि हमारे जीवन में जब भी कोई असफलता आती है, हमें निराश होने की जरूरत नहीं, हमें दुखी होने की जरूरत नहीं, या दोषारोपण में रहने की जरूरत नहीं, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा हमें तुरंत हमें पश्चाताप करते हुए हमें आगे बढ़ना है। परमेश्वर हमारे उठने बैठने को, सारी बातों को भली भांति जानता है। तो परमेश्वर में आपको और मुझे बढ़ते रहना है। सर्व को झुकाए परमेश्वर मान उपस्थिति में और परमेश्वर से प्रार्थना करें। मेरे मान परमेश्वर का प्रभु धन्यवाद, स्तुति करते हैं प्रभु सुंदर समय के लिए, इस वचन के द्वारा प्रभु हर एक प्रभु भाई बहन के परमेश्वर हृदय से वार्तालाप कर, जिन्होंने प्रभु के वचन को सुनने के लिए प्रभु अपने समय को निकाला है। परमेश्वर जो प्रभु यीशु प्रभु आपके परमेश्वर का प्रभु व शिष्य परमेश्वर आपके माता परमेश्वर मार्ग पर चलना चाहते हैं, उन सभी के जीवन में प्रभु तू कार्य कर। पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से वचन की सत्यता के द्वारा वार्तालाप कर और हर एक व्यक्ति को प्रभु जीवन में प्रभु उद्धार में आगे बढ़ने के लिए प्रभु सहायता प्रदान कर। तो मार्गदर्शन कर परमेश्वर, क्योंकि आपने जो कहा है परमेश्वर, तो विश्वास में धर्मी परमेश्वर, जो आपने वादे और परमेश्वर प्रतिज्ञा किए प्रभु वह सब